इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो कहता है कि अगर उतरना ही है तो चढ़े क्यों। दूसरा वो जो कहता है कि चढ़ गए हैं तो उतरने की जरूरत क्या है। और ध्यान देना, ये दोनों ही तरह के व्यक्ति कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल पे वही पहुंचेगा जो चढ़ना भी जानता है और उतरना भी जानता है। इसलिए उस परमात्मा रूपी मंजिल को पाने के लिए हर कोई चल पड़ा है, हर कोई चलना चाहता है, लेकिन जो चढ़ना भी जाने उतरना भी जाने, जो जागृत भी रहे और अचेत भी रहे, जो नशे में भी रहे और होश में भी रहे, उस स्थिति को जो प्राप्त कर ले वही परमात्मा तत्व को पा सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, चलू चलू सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कनक एक कामनी, दुर्लभ घाटी दोई। इंसान इन दोनों चीजों से भागता है, स्त्री से भागता है और धन से भागता है, लेकिन इनसे भागना नहीं है, इनको अपने अनुकूल बनाना है। और जो ये कला, ये कल, ये इशारा, ये सेन समझता और जानता है, उसके लिए फिर ये दुर्लभ घाटी कोई मायने नहीं रखती, वो सहज में ही पार कर लेता है और उस साहब को पा लेता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहर की जहर दिल बीच से दूर कर, खोज दिल बीच जहां बसत है हक्का, खूब महबूब है, खूब वह यार है, करण कारण जहां शब्द है पक्का, खड़े दर्द बंद दरवेश दरगाह में, खेर और मेहर मौजूद है मक्का। जिक्र कर फिकर को दूर कर, कहे कबीर यह सुकून है पक्का। और किस तरह से कहा, हमें साहब से मिलना है, हमें मालिक से मिलना है, हरि ने तो नशे में खूब यार मालिक से मिलना है। परंतु सद्गुरु कबीर कहते हैं, मिलना है अच्छी बात है, लेकिन मिलेंगे कैसे। हाथ और पांव में काम क्रोध मद लोभ और अहंकार की छल की कपट की बेईमानी की धोखे की जंजीरें पड़ी हुई है, और वो जंजीरें जब तक छूटे नहीं, इंसान निर्बंधन ना हो तब तक उस निर्बंधन से मिल ना पाएगा। किस तरह से कहा, इस लोभ कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना, लोभ कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना है, एक यार फकीरी लेना है। जैसा पूर्व में कहा कि तीन तरह के लोग हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, हद में तपे सो ओलिया और बेहद तपे सो पीर, और हद बेहद दोनों तपे ताका नाम फकीर। किस तरह की फकीरी लेंगे, ना तो हद में ना बेहद में, दोनों के बीच की स्थिति जैसे संध्या काल, और उस स्थिति को इंसान उपलब्ध हो जाए तो परमात्मा तत्व को पाने में देर न लगेगी। बोले, इस लोभ कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना है, ए यार फकीरी लेना है, भव सागर को जीत हमें, भव सागर को जीत हमें, मेहरम को पाना है, हरि में तो नशे में खूब यार मुझे गुरु से मिलना में, तो नशे में खूब यार मालिक से मिलना है, इस हद को छोड़ बेहद में जाना है, इस हद को छोड़ बेहद में जाना है, ए जी यार बेहद में जाना है। जहां अभी हम हैं,
हमारे अंतर की जो मनोस्थिति है, हमारे अंतकरण की जो स्थिति है, उस सांसारिक स्थिति से ऊपर उठ करके हमारी वैचारिक स्थिति को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हम बेहद में प्रवेश कर पाएंगे। जहाँ न जाति है, न धर्म है, न मत पंथ, न मजहब है, न ऊंचा है, न नीचा है, न अमीर है, न गरीब है, न स्त्री है, न पुरुष है, उस बेहद स्थिति की बात साहब करते हैं और कहते हैं, इस हद को छोड़ बेहद में जाना है, ए जी यार बेहद में जाना है। अरे मूल सुंदरी मकर तार जहां, मूल सुंदरी मकर तार जहां, वह मणि चमकती है। अरे मैं तो नशे में खूब यार मालिक से मिलना है, मैं तो नशे में हो रहा साहब से मिलना है। ए जी यार मालिक से मिलना है। अब देखिए, अरे सफेद महल दिख रहा भी हमका चढ़ना है, ए जी यार कठिन का चढ़ना है। वहां श्वेत महल दिख रहा भी हमका चढ़ना है, ए जी यार कठिन का चढ़ना है। अरे सफेद सेज फूलों की वहां, सफेद सेज फूलों की वहां, वह पुरुष पाना है। अरे मैं तो नशे में खूब यार मालिक से मिलना है, मैं तो दीवाना हो रहा साहब से मिलना है। इन मूल सुंदरी रो प्यास लगी अमृत का पीना है, ए जी यार अमृत का पीना है। ये मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना है, ए जी यार अमृत का पीना है। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, बस इसी से तिरना है। अरे मैं तो नशे में खूब यार मुह गुरु से मिलना है, अरे मैं तो नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। ए जी यार मालिक से मिलना है, हाँ जी यार साहब से मिलना है, ए जी यार मोह गुरु से मिलना है, ए जी यार मालिक से मिलना है, हाँ जी यार।